नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज जिस मुद्दा पर चर्चा होनी है, विधानसभा में आज काफ़ी हंगामा हुआ, लेकिन इस हंगामे के बीच प्राइवेट स्कूल बिल को लेकर एक नए कानून का संशोधन बिल आप कह सकते हैं, या प्राइवेट बिल स्कूल पर नकेल कसने के लिए एक सदन में एक बिल पारित हुआ है और कहीं कहीं उसके सहारे जो प्राइवेट स्कूल की मनमानी है उसको रोकने की कोशिश हुई है। दूसरा सवर्ण आरक्षण को लेकर बिल पेश किए गए, वो बिल भी पारित हो गया, वो विधानसभा विधान परिषद में ये दोनों बिल जाएगा। लेकिन इस दोनों के इतर भी किसी खास मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ है, खास करके सीबीआई को लेकर, जांच को लेकर भी सदन में कई हंगामा हुआ है। तो कई तरह की चीज़ें सदन की कार्रवाई के दौरान देखने को मिली है। इन सब तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए क्या सदन में क्या क्या कौन कौन से मसले पर चर्चा हुई और सदस्यों की क्या भावना रही है इस पर। पहले इस खबर को देखिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। दो दिन के अवकाश के बाद सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा शेल्टर होम को लेकर हुआ। विपक्ष का कहना था कि मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जी को कोर्ट ने जांच करने के लिए दिया है नीतीश कुमार जी को, तो जांच निष्पक्ष नहीं होगा जब तक मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगा। हम लोग मांग करते हैं इस्तीफा दें, तब जांच करावे। उधर विपक्ष के ऐसे सवालों पर नीतीश कुमार ने लालू के बहाने विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि रांची से मिले आदेश के बाद राजद हंगामा मचा रहा है, हंगामा करने से और उल्टा ही होगा। लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे के बीच बिहार विधानसभा में सोमवार को आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को आरक्षण का बिल पारित हो गया। नीतीश कुमार ने इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे गरीबों को लाभ होगा। राज्य में जो भी आरक्षण लागू है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों में एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 के लिए और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए यह आरक्षण का प्रावधान एक कानून के जरिए लागू है और इसलिए यह उचित समझा गया कि जो ये संविधान में संशोधन करके आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जो अनारक्षित श्रेणी में है उनके लिए भी 10% का आरक्षण दिया गया। आरक्षण दे रहे हैं 50% के बैरियर को तोड़ दिए हैं, तो जिनकी जो जनसंख्या है 2011 में जो जनगणना हुआ है उसके आधार पर जो जनसंख्या है उसको दे दीजिए। सरकार ने स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस में बयान दिया कि मैं बिल लाया हूँ, इसके बाद एक्ट बनाऊंगा, हम किसी की आरक्षण को छेड़छाड़ किए बिना हम 10% आरक्षण जो सवर्ण में गरीब है उनको मैं दे। कहा था कि हम संकल्प लाएंगे और आज जब संकल्प आया तो विपक्ष ना तो हाँ में रहा तो ना में रहा, केवल हंगामा करता रहा। तो विपक्ष को स्पष्ट करना चाहिए कि वो 2021 में जातीय जनगणना के पक्ष में है कि नहीं। इसके साथ ही बिहार विधानसभा में प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन बिल 2019 पेश हुआ। इसके अलावा भूमि सुधार संशोधन विधेयक और IGIMS संशोधन विधेयक 2019 भी विधानसभा में पेश हुआ। कशिश न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा कि आज के सदन की कार्रवाई, हालांकि काफी हंगामा भी हुआ, हंगामे के बीच सरकार ने अपने विधायकी कार्यों को पूरा किया, लेकिन सवाल यह है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि सत्र में कि हंगामे के साथ साथ सवाल जवाब भी हो रहे हैं। आज पहली बार हंगामा हुआ और हंगामा इस कदर हुआ कि सदन की कार्रवाई कई बार रोकनी पड़ी। पहली पाली में तो सदन की कार्रवाई शुरुआत के साथ ही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, फिर 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सरकार की जो विधायकी कार्य थी उसको उन्होंने हंगामे के बीच निश्चित समय अवधि पर उन्होंने अपने कार्य जो उनका जो विधेयक था उस विधेयक को उन्होंने पारित किया। हमारे साथ अभी फिलहाल चर्चा करने के लिए जीवेश ठाकुर जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं, जाले दरभंगा से विधायक हैं और शुरुआत हम इन्हीं से करेंगे। जीवेश जी, आज जो सदन में जो जिस तरीके से विपक्ष
का रुख हमलावर था, कई ऐसे इश्यूज थे। अगर पहले बात करें तो तमाम चीज़ों पर सहमति दिख रही थी और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रहा था। आज हंगामे के बीच सवर्ण के लिए जो आरक्षण का बिल था वो पारित हुआ है, उसको लेकर आपका पार्टी स्टैंड भारत जब केंद्रीय सरकार वहाँ भी स्टैंड क्लियर था, लेकिन यहाँ भी विपक्ष का उस तरह का सहयोगात्मक रवैया नहीं रहा। असल में बिहार में विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है और मुद्दा विहीन विपक्ष क्या करे, हंगामा के सिवा उनके पास करने के लिए है क्या? ज़रा आप मुझे बता दीजिए कि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है, देश ही नहीं बिहार के अंदर भी, मैं गांव से आता हूं, मैं ग्रामीण क्षेत्र का विधायक हूं, आप गांव में चले जाइए, एससी एसटी दलित अति पिछड़ा पिछड़ा सब में इस बात का खुशी है कि हमारे गरीब सवर्णों को भी, गरीब भाइयों को भी, या यूं कह ले कि जो अनारक्षित जो जितने लोग थे वैसे गरीबों को आरक्षण देने का काम भारत सरकार ने की है, एनडीए की सरकार ने की है, और आज उसी पर मुहर लगाने का काम कहीं ना कहीं बिहार की सरकार सदन के माध्यम से कर की है। हम समझते हैं कि उनमें विपक्ष के सदस्यों को भी हाँ में हाँ मिला करके पूरे बहुमत के साथ संपूर्ण समर्थन के साथ इसको आज पास कराना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश न वो हाँ में थे न वो ना में थे, और जो हाँ में नहीं हो जो ना में नहीं हो उसको क्या कहते हैं आप समझ जाइए। तो आज उनकी भूमिका उस वही थी जो न हाँ में होते हैं ना में होते हैं, जो बीच वाले होते हैं, वही बीच वाले की भूमिका संपूर्ण विपक्ष आज निर्वहन करने का काम किया, मुझे इसका खेद है कहीं ना कहीं। अच्छा, उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्राइवेट स्कूल को लेकर, जी जी, कहीं ना कहीं कोशिश ये हुई है कि प्राइवेट स्कूल में जिस तरीके से मनमानी फीस लिया जा रहा है उस मसले पर भी चर्चा हुई, और वो क्या खास है उस बजट? आप बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट यह मुद्दा है। इस मुद्दे पर पूरे विपक्ष को भी सत्ता पक्ष के साथ, देखिए लोकतंत्र में देश की आज़ादी के बाद दो पक्ष सदन के अंदर है। अब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश का, जो प्रतिपक्ष में बैठे लोग हैं वो अपने को विरोधी दल कहते हैं। अरे विरोधी दल तो अंग्रेजों के जमाने में था, सत्ता में तो अब एक सत्ता पक्ष है दूसरा प्रतिपक्ष है। और ये पूरी सत्ता इस देश की चुनी हुई सरकार जब बनती है राज्य के अंदर या देश के अंदर, तो इस देश के स्वतंत्र भारत का जनता उस सरकार को बनाने का काम करती है। तो ये तो सदन का उभय पक्ष है, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष। तो प्रतिपक्ष को भी चाहिए कि जब कोई बिल, सकारात्मक बिल सदन में आए तो उसमें कंधा से कंधा मिलाकर राज्य हित में काम करना चाहिए। मुझे बता दीजिए, इस पटना में रहने वाले या बड़े शहरों में, दरभंगा भागलपुर मुजफ्फरपुर मोतिहारी सासाराम गया इस तरह के शहरों में रहने वाले कौन गार्जियन नहीं है जो प्राइवेट स्कूल के फीस से आज त्रस्त हैं? क्या ये राजद के लोग नहीं त्रस्त हैं क्या? क्या ये कम्युनिस्ट मार्क्सवादी के लोग नहीं त्रस्त हैं क्या? ये कांग्रेस के भाई न आज कुछ देर तो बैठे रहे, फिर कुछ देर उनके साथ हो गए। मुझे समझ में नहीं आया कि पीवी नरसिंह राव कभी आरक्षण की वकालत कर रहे थे सवर्णों की आरक्षण का। ये अलग बात था कि इस आरक्षण को लाना उनकी मंशा नहीं थी। अगर लाना मंशा होता तो सदन में जैसे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने बहुमत से इसको पास कराया और फिर उसको कानून बना करके आज 10% रिजर्वेशन देने का काम किया, वैसे कांग्रेस का स्टैंड सदन में क्लियर नहीं था कि वो किसके साथ हैं। वो बिल पास हो रही है उसके साथ हैं क्या, या उसमें संशोधन कोई नहीं पेश किया उन्होंने? तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें हम कहते हैं कि सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों को जनहित के मुद्दों में मिल करके काम करना चाहिए। और यह जो विषय है, जो आज प्राइवेट स्कूल का जो मनमानी है उस पर मैं कहता हूं कि प्राइवेट स्कूल के सपोर्ट से शिक्षा में बदलाव आया है, लेकिन उनके मनमानी पर नकेल कसा जाना चाहिए। मुझे आप एक चीज़ बता दीजिए कि हर वर्ष हम एक विद्यालय में एक बच्चे का एडमिशन करा दिए क्लास वन में, फिर वो क्लास वन पास करके क्लास टू में जाता है, एडमिशन के नाम पर बड़ी फीस ले ली जाती है। किस बात का एडमिशन, किधर का एडमिशन? मतलब क्लास वन से क्लास टू में फिर एडमिशन लेना पड़ेगा उस विद्यालय में क्या? इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर और फीस बढ़ाने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? हम तो कहते हैं आज तो धिक्कार है विपक्ष के रोल पर, उनको उनके खिलाफ तो पूरा देश की जनता और पूरा बिहार की जनता जो है, आज 11 करोड़ बिहार की जनता उनको माफ़ करने वाली नहीं है। आप देखिए कि बड़े शहरों में आज क्या हो रहा है स्कूलों का, बच्चे का एडमिशन कराने जाइए तो उनको डोनेशन दे दीजिए, और डोनेशन अगर कोई बड़ा पदाधिकारी आप सामान्य आदमी बन के जाइए तो उनके पास सीट खाली भी होगा तो मना कर देते हैं, और उनका जो सिस्टम होता है डोनेशन वाले
उस सिस्टम से आप जाइए तो मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लूंगा इसी पटना के अंदर, बड़े बड़े विद्यालयों में यह खेल खेला जाता है। सरकार अगर उस पर आज नकेल कसने की इच्छा शक्ति लाई और सदन में बिल लाने का काम किया है, तो इसमें कोई दल और सत्ता पक्ष और विरोधी दल बन करके इस बात को नकारात्मक तरीके से बिहार की जनता में प्रस्तुत करना, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं रहा सत्ता पक्ष का जो। अच्छा चलिए, अभी एक आपके जिले से जुड़ी हुई सवाल है, हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन हम ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल आपसे। आपकी पार्टी के 3 बार सांसद रहे हैं दरभंगा से, कीर्ति झा आजाद, दिल्ली से भी विधायक रहे, और दरभंगा में लगातार वो एक बीजेपी के आक्रामक चेहरे के रूप में उनकी पहचान रही। आज वो आपके पार्टी से अलग हो गए, क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरी पार्टी से अलग हो गए तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? मेरी प्रतिक्रिया इस पर, पार्टी के अंदर मैं, आप आज क्यों अलग हो गए? वो उन्होंने जिस मुहिम को छेड़ा था पूरे 5 साल सत्ता में रह के, सांसद रह के, उस पार्टी का सांसद रह करके, और आप मलाई खाते रहे, और जब आज आपको लगा कि हमारा यहाँ टिकट नहीं मिलने वाला है तो आप दल बदल कर करके, दिल बदल कर करके कहीं चले जाइए, उससे बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है? बीजेपी के कारण वो दरभंगा से 3 बार जीते हैं, और इस बार NDA के टिकट पर जो कोई दरभंगा आएंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि दरभंगा में NDA की ही जीत होगी, और वही प्रत्याशी जीतेगा जो NDA के सिंबल पड़ाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और NDA को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आए थे और कौन चले गए, वो अपनी चिंता करें। और इतने ईमानदार थे, इतने नैतिकवान थे, तो जिस दिन बीजेपी ने उनको सस्पेंड किया उस दिन रिजाइन करके उनको चुनाव में जा करके अपने मोरल जीत को जनता के बीच स्थापित करना चाहिए था। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो जनता की नज़रों में बहुत बड़े गुनहगार हैं कि पूरा 5 साल बिताकर, अंतिम सत्र के अंतिम दिन, अंतिम घंटे तक बिता करके उस पार्टी के सांसद के रूप में, और किसको बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं? कौन बेवकूफ है? दरभंगा पढ़े लिखे लोगों की जगह है, दरभंगा बुद्धिजीवियों का जगह है, और उनको माकूल जवाब समय पर इलेक्शन में वोट के माध्यम से, वोट की चोट के माध्यम से देने का काम दरभंगा की जनता करेगी। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, अब चर्चा जारी रखेंगे। हमारी कोशिश है इसमें RJD और JDU के साथी भी इसमें शामिल होना है। कुछ पटना में कभी कभी शाम के वक्त ऐसा जाम लगता है कि लोग 1 किलोमीटर भी दूरी तय करने में घंटों समय ले जाते हैं, उसी जाम में है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि उनसे भी हम ये जानने की कोशिश करें, खास करके रिजर्वेशन को लेकर, सवर्णों के आरक्षण को लेकर, स्कूल को के प्राइवेट ट्यूशन को लेकर जो आज सरकार ने फैसला लिया। इसके अलावा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में भी हंगामा हुआ है, उस हंगामे को लेकर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।